अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक नया ट्रीटमेंट दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है बोटॉक्स। तो जो बोटॉक्स है वो है केरालॉजी कंपनी का, तो हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको करना है क्लेरिफाइंग शैम्पू। अगर ये बाल वर्जिन थे इसलिए हमें इसे 2 से 3 बार शैम्पू करना है। अगर ये केमिकली ट्रीटेड हेयर रहते तो हम इसे 2 बार वॉश करते, क्योंकि हमें क्यूटिकल को प्रॉपरली ओपन करना है हमारे ट्रीटमेंट अंदर जाने के लिए। इसलिए हमें पहले क्या करना है, अच्छे से 2 से 3 बार शैम्पू करना है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो निकाल लेंगे और हम लोग एक 90% बालों को ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद उसके साथ ट्रीटमेंट में हम ये जो ऑयल है वो के 2 ड्रॉप डालेंगे, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके बालों में स्ट्रेंथ देने के लिए, शाइन देने के लिए। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ यूएसए ये है, यानी बाहर का प्रोडक्ट है ये। तो आप इसका एप्लीकेशन का टेक्निक देखो, बाकी की चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जब भी ज़्यादा कर्ली हेयर हो, वर्जिन हेयर हो, और तब आपको क्लेरिफाइंग जो शैम्पू है वो 3 बार करना है, और उसे बीच बीच में एक दो मिनट छोड़ देना है। और उसके बाद समझो अगर आपके पास केमिकल ट्रीटमेंट हेयर आ गए तो आपको क्या करना है, 2 ही बार, जैसे कि कलर हेयर है, रिबॉन्डिंग वाले हेयर है, स्मूदनिंग वाले हेयर है, एंड एनी अदर जो भी केमिकल रहेगा अगर वो है, तो बालों को 2 बार वॉश करना है। बीच बीच में 2-2 मिनट के लिए आपको छोड़ना है, जिससे बालों के क्यूटिकल जो है वो अच्छी तरह से ओपन हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, वॉश के बाद आपको करना है ब्लास्ट ड्राई 90%, आपको थोड़ा सा ड्राई करना है, बस 10% आपको बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर रखना है। और उसके बाद जो है आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, 4 पार्ट में बालों को डिवाइड करना है। उसके बाद अप्लाई केरालॉजी बोटॉक्स ट्रीटमेंट, उसके साथ ब्रश से सेक्शन बाय सेक्शन रूट को छोड़ के आपको पूरे बालों पे इसे लगाना है। और इसको क्या इमल्सिफाई नहीं करना है आपको, जब भी आप इमल्सिफाई करोगे तो वैसा नहीं, थोड़ा बहुत इमल्सिफाई, और ज़्यादा से ज़्यादा कोम और ब्रश से ही आपको इसको एप्लीकेशन करना है, और कोम से ही पूरे बालों में अच्छे से उसे मर्ज कर देना है। और इसका जो आगे का प्रोसेस है उसमें आप बालों को कम से कम 45 मिनट तक आप रख सकते हो ये लगाने के बाद, शॉवर कैप लगा के। और उसके बाद आपके जो आगे के स्टेप्स है वो आप लोग फॉलो करना है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट क्या क्या स्टेप हम लोग आगे करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये, जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं केराटिन बहुत अच्छा है, बट केराटिन में अभी थोड़े बहुत कंपनी में क्या हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड का भी कंटेंट आ रहा है। तो इसमें है मिथिनॉल करके एक दूसरा एक केमिकल आता है वो इसमें है, तो इसमें वो जैसे आँखों में जलन या फिर आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो मिथिलिन है इससे आपके बालों में बिल्कुल भी या आपके आँखों में वॉमिटिंग जैसा नहीं होगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे आँखों में इचिंग होता है और बहुत सारा पानी निकलता है, क्योंकि वो केराटिन में क्या होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड होता है, और इसमें बिल्कुल भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। इससे क्या होता है, 60% आपके बाल स्ट्रेट होते हैं, और बाकी जैसे प्रोडक्ट है उसमें बस 30-40% स्ट्रेट होते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेट इफेक्ट चाहिए तो आप बोटॉक्स दे सकते हो, ये भी आपके बालों में प्रोटीन का ही काम करेगा, बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। अब जैसा कि आप वीडियो देख रहे हो, मैंने 45 मिनट तक इसे प्रोडक्ट को रखा था इसमें रैप करके शॉवर कैप में, उसके बाद उसे हम लोगों ने निकाला, उसके बाद ब्लास्ट ड्राई किया। थोड़ा सा ड्राई करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, आयनिंग स्टार्ट कर दी इनके हेयर्स के ऊपर। तो आपको आयनिंग में भी क्या करना है, अभी आप जैसे केमिकली ट्रीटेड हेयर आपके पास आ गए तो नॉर्मली आपको 30 मिनट रखना है, और अगर आपको समझो टाइट कर्ल्स और वर्जिन हेयर आ गए, जैसे ये वर्जिन हेयर है तो हम इसे रखेंगे 40-45 मिनट। तो वैसा तरीका है, तो 45 मिनट रखने के बाद हम लोगों ने इसे पहले कोल्ड ड्राई किया है, यानी ब्लास्ट ड्राई किया, और उसके बाद हमने आयनिंग रखा है। अभी आयनिंग का भी एक प्रॉपर तरीका है, तो जैसे वर्जिन हेयर है और थिक हेयर रेसिस्टेंट हेयर है, तो आप 10 से 12 टाइम्स 230 डिग्री टेम्परेचर रख के प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन बालों में प्रॉपर आयन करना है आपको। अगर केमिकली डैमेज हेयर है, कलर्ड हेयर है, तो आपको 200 से 210
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है आपके आयन का, और उसके साथ 10 से 12 रिपीटेशन आपको उसमें करने हैं। और अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए, तो प्रॉपर प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो, तो प्रॉपर आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके ही आपको आयनिंग करना है, जिससे आपका जो भी बोटॉक्स है वो प्रॉपर बालों के अंदर कॉर्टेक्स लेयर के एज तक पहुँचे और बालों को ज़्यादा प्रॉपर नरिशमेंट, शाइन, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें मिले, प्रोटीन मिले। तो ये तरीका आप अपना सकते हो। और टेम्परेचर आप टेक्सचर के हिसाब से आपका कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कुछ कभी केमिकल ट्रीटेड हो और ज़्यादा टेम्परेचर रखते हो, तो प्रॉपर आपका प्रोडक्ट नहीं पेनिट्रेट होता है और बाल भी डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। आपका एक बार आयन होने के बाद आपको आगे का जो स्टेप है उसको क्या करना है, आपको 24 घंटों के बाद यानी एक दिन के बाद आपको केरालॉजी का एक शैम्पू आता है, टीजर शैम्पू, वो यूज़ करना है, और डी ट्रेस कंडीशनर आता है वो लगाना है बैक वॉश पे, और आप उसके बाद एक बक्ट्रॉन बेरी ऑयल आता है उनका, वो एप्लीकेशन करना है और आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आप सेकेंड डे पर ये भी कर सकते हो, जैसे क्लाइंट आता है हल्का फुल्का आयन कर सकते हो बालों में, बड़े बड़े सेक्शन लेके, और दो चार बार ही आप स्ट्रोक दे सकते हो, और उसके बाद उसका जो शैम्पू है टीजर शैम्पू वो करना है, और उसके बाद उसका जो मास्क है वो लेंथ पे लगा के 5-10 मिनट्स रखना है और रिंस करना है, और उसके बाद उनका जो बेरी ऑयल है वो लगा के ड्राई करके, हल्का सा ब्लो ड्राई करके आपको रिजल्ट इसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे केराटिन के भी वीडियोस बनाए हैं, आपने अगर नहीं देखे तो आप देख लो। इस प्रोडक्ट को बनाने का यही मकसद था कि आपको कुछ नया ट्रीटमेंट दिखाऊं जो कि विदाउट फॉर्मल डीआईड हो, जो आपके आंखों को इचिंग ना करे, जो आपको आगे जाके कैंसर के चांसेस ना करे, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट बताया। इसके पहले मैंने केरा स्मूथ का भी एक वीडियो बनाया था जो कि एक केराटिन था, उसमें बिल्कुल भी फॉर्मल डीआईड नहीं था, 0% फॉर्मल डीआईड था, बट इसमें भी सेम है, बोटॉक्स करके ये ट्रीटमेंट है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं बाल और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, और बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि आँखों में बिल्कुल इचिंग ना हो, बिल्कुल भी हुई नहीं। तो ये कंपनी वालों का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करने हैं। तो मैंने भी इसको लिया है एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट करके, केराटिन के एक अलग एक प्रोडक्ट बोल के मैंने उसे भी लिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये बस आयनिंग का इफेक्ट है, यानी हमारा बोटॉक्स का जो ट्रीटमेंट है वो हो गया। फिर इसके बाद हम लोग जब भी एक नेक्स्ट डे वॉश करेंगे तभी भी आपको मैं वॉश करने के बाद वाला भी रिजल्ट दिखाता हूँ कि कैसा रिजल्ट रहा, विदाउट ब्लो ड्राई हमने वो रिजल्ट देखा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें लगा। तो आप भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हो अगर आपको नीड लगे तो। और एक चीज़, मैं 17 तारीख को एक मेरा सेमिनार है कराड़ में, जिसमें मैं हेयर कटिंग के कुछ 5 हेयर कट में दिखाने वाला हूँ। अगर कोई कराड़, कोल्हापुर, सातारा, सांगली उस साइड से है तो वो लोग वो सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, और उसका मैंने पोस्ट भी किया है इंस्टाग्राम पे, भी मैंने उसके बारे में डिटेल में दिया है, तो आपको अगर वो ज्वाइन करना है तो वो डिटेल दिए गए हैं, उनसे आप एक बार बात करो तो आप भी सेमिनार में आ सकते हो। मेरे जो नए हेयर कट है, कस्टमाइज लेयर और जो भी है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो, और जो लाइव सेशन है बोटॉक्स का वो भी हम वहीं पे दिखाने वाले। तो दोस्तों, ये दूसरे दिन वाला लुक है, आप देख सकते हो मैंने जस्ट आयन किया है हल्का, और उसके बाद इनके शैम्पू कंडीशनर से वॉश किया है, और विदाउट ब्लो ड्राई ये रिजल्ट है, हमने बिल्कुल भी ब्लो ड्राई नहीं किया है, आप देख सकते हो कितना शाइन आ रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, और ऐसे ही देखते रहना अविनाश हेयर केयर। और भी